नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिनभर बिहार में आपका स्वागत है। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नजर। बिहार विधान परिषद के सभी नए सदस्यों ने ली शपथ, सीएम नीतीश बने गवाह। सीएम नीतीश ने वज्रपात को लेकर की अहम बैठक, अधिकारियों को दिए निर्देश। अवैध खनन को लेकर मंत्री जनक राम बोले, सरकार के रडार पर अवैध खनन माफिया। राजद सुप्रीमो लालू यादव दिल्ली एम्स से हुए डिस्चार्ज, बेटी मीसा भारती के आवास पहुंचे। पटना में शिक्षक बहाली की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, सातवें चरण से पहले पात्रता परीक्षा लेने की मांग। पीएफआई मामले में पटना एसएसपी ने एटीएस से किया जांच का अनुरोध, दूसरे राज्यों से भी जुड़े हो सकते हैं तार। बिहार में संदिग्ध आतंकियों के पकड़े जाने के बाद भागलपुर पुलिस ने बढ़ाई चौकसी, श्रावणी मेला में बम निरोधक दस्ते की तैनाती। मुजफ्फरपुर में उत्पाद अधीक्षक और होमगार्ड जवानों के बीच विवाद ने पकड़ा तूल, जिला कमांडेंट ने सभी को हटाया। निगरानी की टीम ने पूर्णिया स्वास्थ्य कर्मचारी को घूस लेते रंगे हाथ दबोचा, 50,000 रुपये बरामद। और सीबीएसई ने जारी किया 10वीं और 12वीं का रिजल्ट, लड़कियों ने मारी बाजी। अब खबरें विस्तार से। बिहार विधान परिषद के सभी 9 निर्वाचित 7 सदस्यों ने शपथ ले ली। इस मौके पर सीएम नीतीश कुमार, दोनों डिप्टी सीएम और संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी मौजूद रहे। विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने 7 निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। आपको बता दें कि इन सदस्यों में से बीजेपी के अनिल शर्मा और हरी साहनी, जेडीयू से रविंद्र प्रसाद सिंह और आफाक अहमद खान, आरजेडी से कारी सोहैब और मुन्नी देवी और अशोक कुमार पांडे का नाम शामिल है। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में वज्रपात की घटनाओं को लेकर बैठक हुई, जिसमें सीएम ने अधिकारियों के साथ समीक्षा की। इस दौरान सीएम ने सरकारी भवनों में लाइटिंग रॉड लगाने के निर्देश दिए, साथ ही जिलों में जागरूकता अभियान चलाने की भी बात कही। बता दें कि इन दिनों बिहार के सभी जिलों में भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग की ओर से लोगों को सचेत भी किया जा रहा है। लगातार बताया जा रहा है कि बारिश के मौसम में पेड़ या खुले आसमान के नीचे कभी भी न रहे। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को दिल्ली एम्स से छुट्टी मिल गई है। तबीयत में लगातार सुधार आने के बाद उन्हें एम्स अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। बताया जा रहा है कि लालू को दिल्ली स्थित उनकी बेटी मीसा भारती के आवास पर लाया गया है। आशंका जताई जा रही है कि उन्हें जल्द ही पटना लाया जा सकता है। बताते चले कि लालू यादव पिछले दिनों पटना स्थित राबड़ी देवी के आवास पर सीढ़ियों से गिर गए थे, जिससे उनके कंधा फ्रैक्चर हो गया था। इसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी थी, तो एयर एम्बुलेंस से दिल्ली ले जाया गया था। बिहार में अवैध बालू खनन को लेकर मंत्री जनक राम ने बयान दिया है। मंत्री ने कहा कि सभी जिलों में एफआईआर दर्ज की गई है, कार्रवाई में अब तक 10 लाख सीएफटी से ज़्यादा बालू को जब्त किया गया है। मंत्री ने यह भी साफ कह दिया कि जो लोग इसमें संलिप्त हैं वे सभी रडार पर हैं। साथ ही 100 माइनिंग इंस्पेक्टर की बहाली विभाग ने की है, साथ ही जब्त की गई गाड़ियों को नीलामी की जा रही है। मंत्री ने कहा कि अवैध खनन को रोकने के लिए सरकार द्वारा लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। पटना में शिक्षक बहाली की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने विकास भवन के सामने प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों को समझाने बुझाने का प्रयास किया, लेकिन छात्रों ने उनकी एक न सुनी। अभ्यर्थियों का कहना है कि सातवें चरण से पहले उनकी परीक्षा ले ली जाए। बता दें कि शिक्षक अभ्यर्थी लगातार अपनी मांग को लेकर पटना में प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले दिनों ही पटना में इन सभी ने शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव किया था। पटना के फुलवारी शरीफ से गिरफ्तार दानिश के गजवा हिंद अभियान को लेकर सुरक्षा और जांच एजेंसियां सतर्क हो गई है। अब इस मामले में दूसरे राज्यों में भी इसके लिंक की तलाश की जा रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र के एटीएस की बिहार पुलिस के साथ बैठक के बाद उनके बीच आपस में इससे जुड़े इनपुट को शेयर करने पर सहमति बन गई। इन राज्यों की एटीएस अपने अपने राज्य से पीएफआई और गजवा ए हिंद से जुड़ी संदिग्धों को इनपुट बिहार पुलिस को सौंपेगी। बिहार में आतंकी कनेक्शन होने के बाद भागलपुर पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है। श्रावणी मेला में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए मेला क्षेत्र में बम निरोधक दस्ते की तैनाती कर दी गई है। इस दौरान घाटों, धर्मशाला, शिविरों, कांवरिया पथ समेत कई जगहों पर विशेष निगरानी रखने का निर्देश दिया गया है। सिटीएसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि मेले में किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना न हो, इसके लिए विशेष सतर्कता बरती जा रही है। मुजफ्फरपुर में उत्पाद अधीक्षक और होमगार्ड के जवानों के बीच हुए विवाद ने अब तूल पकड़ना शुरू कर दिया है। उत्पाद अधीक्षक संजय राय के पत्र के आलोक में जिला कमांडेंट त्रिलोकीनाथ झा ने सभी जवानों को हटा दिया है, जिसके बाद जवानों ने अपनी अपनी राइफल पुलिस लाइन में जमा करवा दी है। अब सबकी नजरें डीएम पर टिकी हुई है। जवानों ने कहा कि उचित न्याय नहीं मिला तो हम लोग आंदोलन करेंगे, जरूरत पड़ी तो चक्का जाम भी करेंगे। पूर्णिया में निगरानी विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल निगरानी ने जिले के धमदाहा अनुमंडलीय अस्पताल के कर्मचारी सुशील कुमार को 20,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ धर दबोचा। बताया जा रहा है कि आरोपी ने नौकरी दिलाने के नाम पर 50,000 रुपये की मांग की थी, जिसकी भनक मिलते ही टीम ने सुशील कुमार को उसके कार्यालय से गिरफ्तार कर लिया। पीएससी 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी हो गया है। 10वीं की परीक्षा में लड़कियों का प्रदर्शन लड़कों से अच्छा रहा। सीबीएसई में लड़कियों का पास प्रतिशत 95.21% है, जबकि लड़कों का पास प्रतिशत 93.80% है। वहीं 12वीं में भी लड़कियों ने अपना परचम लहराया है। लाइव सिटीज की बुलेटिन में बस इतना ही।